हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टी एस टू एजुकेशन चैनल में। क्लास टेन का मैथ हम लोग बता रहे थे, मेंसुरेशन चैप्टर चल रहा था, उसमें से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आगे हमको 20 नंबर है। 20 के पहले जो भी है उसको हम बता चुके थे, उसके टाइप का क्वेश्चन और होगा, उसको आप लोग को बनाना है। इसके पहले जो भी नए स्टूडेंट हैं, जो भी नए हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल टी एस टू एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी नए वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्या है। एक शंकु 24 सेंटीमीटर ऊंचा एवं आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला गया है। गोले की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी हमको क्या दिया हुआ है। एक शंकु दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। एक शंकु हमको दिया हुआ है h = 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये दो चीज हमको दिया हुआ है, ठीक है। इसे पिघलाकर क्या कर रहा है, इसको इस शंकु को क्या कर रहा है, पिघलाकर पिघला रहा है। पिघलाएगा तो क्या पिघलेगा, आयतन। क्या पिघलेगा, आयतन। पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला गया। पिघलाकर के क्या बनाता है, एक गोला बनाता है, आकृति चिन्ह। शंकु से क्या बना रहा है, गोला, आकृति चिन्ह। पिघलाकर तो आयतन, दोनों आकृति का आयतन बराबर हो जाएगा। गोले की त्रिज्या ज्ञात करें, तो इसको पिघला कर जो एक गोला बना रहा है, इसको पिघला कर एक जो गोला बना रहा है, इस गोले की हमको त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी इस गोले की त्रिज्या क्या होगा, इसका मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। गोले की त्रिज्या हमको निकाल ज्ञात करना है, ठीक है। इसको मान लेते हैं आर वन, नहीं तो इसको मान लेते हैं कैपिटल आर, और इसको मान लेते हैं स्मॉल आर। मान लेंगे गोले की त्रिज्या आर, ठीक। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात क्या करना है, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या r का मान ज्ञात करना है। प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से क्या कह रहा है, तो इस शंकु को पिघलाकर गोला बना रहा है, शंकु को पिघलाकर गोला बना रहा है, आकृति चेंज कर रहा है, तो आकृति चेंज कर रहा है तो क्या होगा, तो आयतन दोनों का आपस में बराबर। प्रश्न से हो जाएगा आपका शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा गोले का आयतन, बराबर गोले का आयतन। शंकु का आयतन फार्मूला 1/3 πr² h, गोले का 4/3 πr, यहाँ देखिए शंकु का कैपिटल आर क्यू, स्मॉल आर क्यू, गोले का स्मॉल, जो कटेगा काट देंगे, 3/3 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, बचा क्या, कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर का मान 6 का स्क्वायर इंटू एच, एच का मान 24, इधर क्या बचा, 4 × r³, आर क्यू का मान, आर का मान हमको ज्ञात करना है, आर का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ से हल कर लीजिए, आर क्यू, आर क्यू को इधर लिखते हैं, आर क्यू बराबर ही 4 इधर आएगा भाग में, 6 × 6 × 24 / 4 आएगा भाग में, इधर बचेगा आर क्यू, 6 × 4 = 24 कट जाएगा, क्या बचा, आर क्यू, आर क्यू बराबर अंडर रूट 6 × 6 × 6, आर क्यू है, अगर आर क्यू क्यू कैंसिल, पावर 3 कैंसिल, तो इधर क्या हो जाएगा, घनमूल अनुकरणी का घात 3, बचेगा क्या, 6 × 6 × 6
कर्णिका घात थ्री का मतलब तीन गो छः में एक छः वह छः सेंटीमीटर आंसर। यानी जो गोले की त्रिज्या होगा वो कितना होगा, छः सेंटीमीटर। एक चीज याद रखिए, जब भी आकृति चेंज हो रहा है तो क्या हमको निकालना है, आयतन निकालना है। जब भी आकृति चेंज हो रहा है तो एक आकृति का आयतन बराबर दूसरे का आयतन, एक का आयतन बराबर दूसरे का आयतन, जिसको पिघला कर दूसरा आकृति बराबर बना रहा है वो दोनों का आयतन आपस में बराबर कर देंगे। टोटल डायमेंशन दिया हुआ रहेगा, एक डायमेंशन बाकी रहेगा, उस डायमेंशन का मान ज्ञात कर लीजिए। तो गोला में होता क्या है, सिर्फ त्रिज्या, गोला में सिर्फ त्रिज्या होता है, तो यही त्रिज्या का मान ज्ञात करना होगा। हो सकता है कि आपको गोला दिया हुआ रहे या इससे हमको शंकु का इसको पिघला कर ई बनाएगा, इसमें से या तो ऊंचाई या फिर त्रिज्या का मान दिया हुआ रहेगा। अगर ऊंचाई का मान दिया हुआ रहेगा तो त्रिज्या निकालना होगा, त्रिज्या का मान दिया हुआ रहेगा तो ऊंचाई ज्ञात करना होगा। प्रोसेस सेम है, यहाँ भी वही काम करना है। अगर आर का मान ज्ञात करना होगा तो एच का मान दिया हुआ रहेगा, एच का मान पुट करेंगे। अगर एच का मान आर का एच का मान निकालना होगा तो आर का मान दिया हुआ रहेगा, आर का मान पुट करेंगे, एच का मान हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखें। जब भी आकृति चेंज, एक चीज हम याद रखें, जब भी आकृति चेंज तो आयतन आपस में बराबर। चलिए देखें अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 हमको दिया हुआ है, शीशे के किसी गोले को पिघलाकर, फिर यहाँ गोला पिघला रहा है, बड़ा गोला है उसको पिघला रहा है, पिघलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई गई। एक बड़ा सा गोला है, एक बड़ा सा गोला है, इसको क्या करता है, पिघला देता है, इसको क्या करता है, पिघला देता है। पिघलाने के बाद छोटी छोटी गोली बनाता है, छोटा छोटा गोली, ठीक है, छोटा छोटा गोली बनाता है, ये छोटा छोटा गोली बनाता है। गोली बनाई गई जिसकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या की आधी है, इसका जो त्रिज्या है इसकी त्रिज्या की आधी है। अगर मान लेते हैं इसका त्रिज्या आर, कैपिटल आर, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर बाय टू, आधा। अगर ये 10 तो ये 10 का आधा 5, अगर r तो r बाय टू, x तो x बाय टू, ठीक है। कितनी गोलियां बनेगी, सबसे पहले ये गोली कितना बनेगा इसका संख्या ज्ञात करना है। दूसरा नंबर में कह रहा है कि सभी छोटी गोली के संपूर्ण पृष्ठ का गोले के संपूर्ण पृष्ठ से अनुपात ज्ञात कीजिए। दो चीज ज्ञात करना है, सभी एक तो कितना बनेगा छोटी छोटी गोली, दूसरा नंबर सभी छोटी गोली के संपूर्ण पृष्ठ का गोले के संपूर्ण पृष्ठ से अभी कितना बना, कितना इसका संख्या आया। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना आएगा उतना सबका, अब बटे अनुपात का मतलब बटा, बटे बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, यानी इसका अनुपात इसका, अभी कितना आया उतना से मल्टीपल है। ठीक है, देखिए सोल्यूशन क्या, शीशे के किसी गोली को पिघलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई गई जिसकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या की आधी है, मान लेंगे लेट, माना कि क्या, तो गोले की त्रिज्या मतलब बड़े गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर आर, गोले की त्रिज्या बराबर आर, इसलिए गोली की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, गोली की त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर बाई टू, गोली की त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर बाई टू, स्मॉल आर इसको मान लेते हैं, आर बाई टू। ठीक है, गोले का मतलब हो गया बड़ा गोला, अब गोली का मतलब हो गया छोटा गोला। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, क्या निकालना है, तो कितनी गोलियां बनेगी, बड़ा से छोटा कितना बनेगा, तो संख्या निकालना है। संख्या निकालने के लिए क्या करते थे, बड़का के आयतन में एक छोटा के आयतन से भाग देते थे, बड़ा के आयतन में छोटा के आयतन से भाग देते थे, वही काम यहां करना है। गोली की संख्या, गोली की
संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो गोले का आयतन यानी बड़ा गोले का आयतन, गोले का आयतन, अब बटे हो जाएगा गोली का आयतन, गोली का आयतन। फॉर्मूला दोनों सेम रहेगा, 4/3 πr³ कैपिटल बटे 4/3 πr³, 4/3 π से 4/3 π कैंसिल, बचेगा क्या कैपिटल R³/r³। मान पुट कर दीजिए, कैपिटल R तो रहेगा, बड़ा के R, छोटा के, छोटा के R/2, तो R/2³। इसको हल कर लीजिए, R³ ये हो जाएगा R³ और बटे ई चार, दूना चार दूना आठ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, R³ × 8 जाएगा ऊपर और बटे R³ से R³ कैंसिल, कितना बचा 8, कितना आया 8, यानी छोटा छोटा कितना गोली बनेगा 8 गोली, ये बड़ा को पिघला कर छोटा छोटा कितना बनेगा 8। इसमें डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, देखिए त्रिज्या का मान नहीं दिया हुआ है, फिर भी हमको मान निकल गया कितना बनेगा, तो 8 गोली। कैसे निकला, तो इन दोनों में संबंध दिया हुआ है, दोनों के त्रिज्या में यहाँ देखिए संबंध दिया हुआ है, जिसकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या की आधी है, यानी इसका आधा है ई, तब कितना बना, तो दोनों के संबंध दिया हुआ है दोनों के त्रिज्या में। अब क्या ज्ञात करना है, एक और हमको क्या ज्ञात करना है, दूसरा नंबर देखिए, सभी छोटी गोली के संपूर्ण पृष्ठ का गोले के संपूर्ण पृष्ठ से अनुपात, एक और हमको निकालना है अनुपात, क्या अनुपात मिलेगा, क्या अनुपात मिलेगा, फिगर पर क्लिक करते हैं, अनुपात, अनुपात इसलिए अनुपात बराबर किसका अनुपात, पहले कौन आ रहा है, सभी छोटी गोली के संपूर्ण पृष्ठ का कितना गोली बना 8, तो 8 × किसका, छोटी गोली, छोटी गोली का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे, बटाम क्या कह रहा है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ बटे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही मान फॉर्मूला लगाइए, मान पुट कर दीजिए, 8 को गोली है तो 8 × छोटी गोली, गोली रहे या गोला रहे फॉर्मूला सेम रहेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो गोला में एक ही क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय या वक्र सब एक ही आता है, क्या होता है, तो 4π r² 4π r² ऊपर में कौन सा है, छोटी गोली, छोटी गोली की त्रिज्या r, तो r² बटे गोले का 4π r² कैपिटल r² 4π से 4π कैंसिल, बचा क्या 8 × r का मान कितना है, कैपिटल r/2 कैपिटल r/2 का स्क्वायर बटा r², ई आर तो याद ही रहेगा, हल कर लीजिए इसको, 8 × r² / 4 और बटे r², r² से r² कैंसिल, बचा क्या 8/4 कटेगा, 4 × 8 नीचे कुछ नहीं तो 1, क्या निकालना है अनुपात, अनुपात का मतलब बटा, लिख दीजिए ऊपर बटे नीचे, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो अनुपात में 1 लिखाएगा, 2:1 आंसर, यही हमको ज्ञात करना था, ठीक है। अनुपात निकालने में थोड़ा सा पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बड़का बटे छोटका कर दें, ऐसा नहीं कि बड़ाका रहेगा ऊपर और छोटका रहेगा नीचे, यानी बड़ा बटे छोटा, ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे अनुपात में, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। आप आंसर निकालिएगा, यहाँ 2/1 आया, इसको ऐसा नहीं कर दीजिए 1/2, हल करेंगे तो अगर ये ऊपर और ये नीचे आएगा, बड़ा का संपूर्ण ऊपर छोटा का संपूर्ण नीचे रखेंगे तो चेंज हो जाएगा 1:2, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा,
ये आंसर गलत हो जाएगा। ये ध्यान देना है कि कौन सा अनुपात में पहले आ रहा है। सभी छोटी गोली के संपूर्ण पृष्ठ का, गोले के संपूर्ण पृष्ठ से, तो किसका, तो छोटी गोली का नीचे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इस टाइप का और भी क्वेश्चन रहेगा, उसको बनाइए और आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आगे हमको क्वेश्चन नंबर 22, 28, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को छीलकर वृत्तम गोला बनाया गया तो गोले का आयतन ज्ञात करें। क्या दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन दिया हुआ है, एक घन है, एक घन हमको दिया हुआ है। घन की भुजा कितना है, 28 सेंटीमीटर। घन की भुजा दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको क्या करता है, छिलका छिल देता है, छिल करके एक बड़ा से बड़ा गोला बनाता है, वृत्तम गोला बनाया गया। इसको छिल करके सबसे बड़ा से बड़ा क्या बनाता है, गोला बनाता है, सबसे बड़ा से बड़ा गोला। तो उस गोले, जो सबसे बड़ा से बड़ा गोला बन रहा है, उस गोले का हमको आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले गोला में क्या चाहिए, घन में तो सिर्फ एक भुजा होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर। गोला बनाता है, गोला में क्या होता है, सिर्फ त्रिज्या होता है, सिर्फ त्रिज्या होता है। तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, देखिए सबसे ई भुजा हो गया, एक फलक हो गया, ये घन का ये क्या हो गया, एक फलक। सब फलक आपस में क्या होगा, बराबर। तो इसी फलक के डायमेंशन जो रहेगा, भुजा रहेगा, इसी फलक के बराबर क्या करता है, एक गोला काट के निकालता है। तो गोले इस रूप में गोला काटेगा, चारों तरफ से छील करके इस रूप में हमको गोला प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये फलक के भुजा यानी घन के किसी एक फलक पर हमको एक गोला काट करके निकालता है। तो ये जो घन के भुजा होगा वो गोले के व्यास के बराबर, देखिए यहाँ से यहाँ तक भुजा और यहाँ से यहाँ तक ही व्यास कहलाएगा। तो घन के भुजा बराबर गोला का व्यास, घन की भुजा बराबर गोला का व्यास, एकदम याद रखिए। घन से बड़ा जो गोला काट कर निकालेगा तो घन के भुजा गोले के व्यास के बराबर होगा, ठीक है। घन की भुजा गोले के व्यास के बराबर। सोल्यूशन में घन की भुजा हमको दिया हुआ है, घन की भुजा बराबर कितना है, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। इसलिए गोले का व्यास बराबर हो जाएगा घन की भुजा। जो बड़ा से बड़ा गोला काटेगा उसका व्यास घन की भुजा के बराबर हो जाएगा, यानी डी बराबर 28 सेंटीमीटर। तो पहले त्रिज्या निकाल लीजिए, आधा 14 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, आयतन। तो गोला का आयतन नहीं निकलेगा, गोला का आयतन आसानी से निकालिए फार्मूला लगाकर, अब आराम से अपने खुद बनाइए गोले का आयतन। गोले का आयतन फार्मूला 4/3 पाई आर क्यू, सबका मान पुट कर दीजिए, 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 14 का क्यू, 14 × 14 × 14 सेंटीमीटर। इसको हल कीजिए, सब हल कर लीजिए, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हल सिर्फ करना है, गुणा भाग करके जो आएगा पॉइंट में वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही हल्का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ समझने वाला है। ऐसा क्वेश्चन आप पहले बना चुके हैं, सिर्फ इसमें आकृति अलग होगा। देखिए क्या है, हमको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोला। क्या दिया हुआ है, अर्धगोला। अर्धगोला नहीं आया था, इसके पहले जो भी आता था वो गोला आता था। अर्धगोले को पिघला कर, इसको भी क्या कर रहा है, पिघला रहा है। क्या पिघलेगा, आयतन।
को पिघलाकर उसी के आधार के बराबर आधार वाला, यानी अर्धगोला में आधार कैसा होता है तो वृत्ताकार, तो उसी के आधार के बराबर आधार वाला एक शंकु बनाया गया। शंकु का भी आधार कैसा होता है वृत्ताकार, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए हमको दिया हुआ क्या है, तो एक अर्धगोला दिया हुआ है, यानी गोला का एक टुकड़ा दिया हुआ है। आधार कैसा है तो ये देखिए आधार हो गया, कैसा है आधार तो वृत्ताकार, आधार कैसा है वृत्ताकार। इसको पिघला देता है ये त्रिज्या, तो अर्धगोला के त्रिज्या और ऊंचाई का काम करता है, दोनों बराबर होता है, जितना ही उतना ही ये, यानी इसमें भी सिर्फ त्रिज्या ही होता है। इसको पिघला करके क्या करता है तो जितना आधार ही अर्धगोला का है उतना ही आधार का एक क्या बनाता है शंकु बना देता है। देखिए तो ये अगर आर है तो ये भी क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, अगर ये पांच है तो ये भी पांच, समान आधार तो आधार वृत्ताकार तो त्रिज्या, आधार वृत्ताकार तो त्रिज्या। ठीक है तो क्या ज्ञात करने के लिए कहा शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना होगा ये हमको ज्ञात करना है, शंकु की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। इसको पिघला कर ही बनाया फिर आकृति चेंज, तो बार बार हम बोल रहे हैं आकृति चेंज होगा तो क्या लिख लेगा, जब भी आकृति चेंज होगा तो आयतन, अर्धगोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन, बराबर करके जो मान दिया हुआ है मान पुट कीजिए, जो नहीं दिया हुआ उसका मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, अर्धगोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है और क्या दिया बराबर आधार शंकु, इसलिए शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या ये भी आप समान आधार है, देखिए बराबर आधार वाला, आधार के बराबर आधार है, तो अगर इसका भी आर तो ये भी आर, ये भी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि इसको पिघला कर ही बनाया गया, पिघला कर तो आयतन बराबर, इसलिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन शंकु का आयतन फॉर्मूला 1/3 πr² h, अर्धगोले का 4/3 πr³, पाई और 3 से पाई और 3 कैंसिल, क्या बचा r, r किसका शंकु का, शंकु का भी त्रिज्या 3 × 3 और h का मान ज्ञात करना है, ये क्या बचा 4 × r³, r का मान किसका अर्धगोले, अर्धगोले का त्रिज्या 3, r किसका है तो अर्धगोला का, अर्धगोला का त्रिज्या 3, 3 का क्यूब 3 × 3 × एच ज्ञात करना, इधर आएगा तो भाग में 4 × 3 × 3 × 3 / 3 × 3, 2 × 3 = 2, 3 कैंसिल, कितना आया 13 12 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है यानी इसकी ऊंचाई कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक टोटल चैप्टर में इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का आगे आप लोग को बनाना है, जो ना बने उसे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, क्या बनाना है शंकु, क्या दिया हुआ है गोला, सब तो वही करना है, निकालना क्या है हमको कितना शंकु बन रहा है। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, क्या चेंज है तो हमको गोला का त्रिज्या दिया हुआ है, इसको फिर पिघला रहा है आयतन, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितना, क्या ज्ञात करना है शंकु, कितना शंकु बनेगा जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है।
क्या करेंगे तो गोला के आयतन में एक शंकु के आयतन से भाग दे देंगे, हो गया। फिगर बनाना है बनाइए, नहीं बनाना है नहीं बनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिगर का उतना मान नहीं है। हमको क्या दिया हुआ है, एक ठोस गोला दिया हुआ है जिसका त्रिज्या कितना है, इसका त्रिज्या कैपिटल आर मानते हैं। क्या बना रहा है, इसको पिघला करके क्या बना रहा है, एक शंकु बना रहा है। शंकु क्या होता है, त्रिज्या और ऊंचाई जो कि हमको दिया हुआ है। इसका आर का मान 10.5, इसका आर का मान 3.5, इसका एच का मान 3। सॉल्यूशन, पहले जो दिया हुआ है उसको लिखे, क्या दिया हुआ है, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 10.5 सेंटीमीटर। मन हो तो पॉइंट को खत्म भी कर सकते हैं, हटा करके 21/2 सेंटीमीटर आएगा, पॉइंट हटाएंगे 10.5, पॉइंट हटाएंगे तो 10 105/2 10, इसको काटेंगे तो 21/5 75 से 2/5 10 21/2। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, शंकु, शंकु बना रहा है, शंकु की त्रिज्या 3.5, शंकु की त्रिज्या कैपिटल तो ये स्मॉल कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, इसको भी पॉइंट तोड़िएगा तो 7/2 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई कितना, 3 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, शंकु की संख्या, शंकु की संख्या कितना बनेगा। जब भी संख्या निकालना रहेगा तो अलग अलग नहीं निकालिए, अलग अलग निकालने पर आपको जोड़ घटाव गुना भाग ज्यादा करना होगा, फिर काटना छाटना होगा, इसलिए डायरेक्ट शंकु की संख्या बराबर गोले का आयतन। किससे शंकु बन रहा है, तो ठोस गोला से, तो ऊपर में गोला, गोले का आयतन बटे एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन, गोला का आयतन फॉर्मूला पुट कर दीजिए, गोला का आयतन 4/3 कैपिटल आर क्यू बटे शंकु का आयतन 1/3 स्मॉल आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा, 4 × r² आर का मान 21/2 का स्क्वायर, यहाँ कर देते हैं 4 × r, आर का मान 21/2 का क्यू और बटे आर स्क्वायर, स्मॉल आर का मान 7/2 का स्क्वायर इंटू एच का मान 3। इसको हल कीजिए, 4 × 21/2 × 21/2 × 21/2 पूरा के बटे हो जाएगा 7/2 × 7/2 × 3। इसको हल कीजिए, 2 2 2 2 कैंसिल, उसके बाद ई 2 और ई 2 दुना 4 हो जाएगा, क्या बचा, उसको लिख लीजिए, 2 × 21 × 21 × 21 अब बटे 7 × 7 × 3 7 × 21 = 1 कैंसिल, 1 × 7 = 21, इसको गुना कर लीजिए कितना आता है, 126 कितना बनेगा, 21 × 3 × 2 कर लीजिए 126, यानी गोला को पिघला कर कितना शंकु बनाएंगे, 126 को, कितना शंकु बनेगा, 126 शंकु। ठीक है, तो इसी तरह का और भी क्वेश्चन आपको बुक में दिया हुआ है, उसको बनाइए किसी भी बुक से, और जो ना बने वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो हो वो आपके पास पहले पहुँचे, और फ्री में बिना किसी खर्च के, एक भी रुपया खर्च नहीं होगा इसमें, आप लोग आसानी से घर में बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम आता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला देखिएगा अगले वीडियो में।